आप भवानी बास करो रे घट के पट देखो जिरसना पे बास करो रे सुत शब्द मुखो अजिए काली कंकाली भारे दुर्गाए सतमत वाली मैया रुडो
महानगरी को राज राजा उदयादीप क्रिया कर तू। राजा उदयादीप दुर्गा को भक्त हो। एक बार दुर्गा राजा उदयादीप को सत जांचने के लिए और बंगण को भेष बना की दारा नगरी बजा है। राजा उदयादीप सुबह पहले आपकी नगरी ने संभाल माना चाले है, तो दुर्गा देख राजा उदयादीप ने फूट फेर की खड़ी है, तो राजा उदयादीप दुर्गा ने बंगण समझ की कह कि ओरा दीना सखिया ते सामने मुंडे रहती आज फूट फेर पाछी कया फिरगी फिर रोजिना मेरे बातचीत करया करते आज की बात हुई। दुर्गा कहवे साची बताया राजा डर थरो लागे झूठ मारे सु बोलियो नहीं जावे साची कह जातो थिया बार ले जाए कि फांसी पर चढ़ा दो झूठ में बोला नहीं। तो राजा उदयादीप दुर्गा ने वचन दे कि वाचा छोटू सखिया शिव जी का वाचा जे वाचा चूकू तो धोबे की कुंड में कुम कांकरो होके सुखो ते कते भी करड़ी बात को मताना कोई सजा नहीं दूंगा। तो दुर्गा राजा उदयादीप ने असली बात बतावे के कारण पाछी बावड़ी रो कहवे ए जीरे छाती मुंडे पर राजा रे बाल थारे को नीर राजा दुर्गा जवाब दे राजा मैं पाछी के बावड़ी कि छाती मुंडे पर राजा बाल थारे कोनी हे महाराज मर्द के मूंछ में थारे कोनी और छाती मुंडे पर राजा बाल थारे कोनी मेला माई लड़को थारे कोनी और मैं तो राजा मारे धंधे पर चाली सुबह पहले थारो मुंह देखे को धर्म कोनी। राजा उदयादीप एक चढ़े रे एक उतरे लेकिन राजा को जोर नहीं क्योंकि राजा पहले वचन दे दिए पहले वचना की इज्जत होया करती आजकल तो नहीं। आजकल देखो दुनिया में बहुत क्षत्रियो है ना एक शत्रु बाकी रह गयो वो गोडा न रहो समाए और उठत बैठत सब ने कम शत गोडा को दिन दिन निकलो जाए। तो राजा उदयादीप दुर्गा ने पाछो रीस गणिया में पर फिर भी पाछो जवाब दे रखे है ए जिरे थे तो सखी रे महाराज सतगुरु मन जा सखिया ओ सतगुरु मन जा सखिया
बोलो जगदम्बे भगवती की जय। तो राजा उदयदीप ने दुर्गा जवाब दे। राजा उदयदीप कह लगे थे तो सकी मारा सतगुरु बन जाओ बोलेड़ा ने केला बताओ तू मेरे गुरु की जगह है। मैं निपुत्र जरूर हूं लेकिन मेरा निपुत्र अपने कहीं अठे। दुर्गा कहवे विकट बनी मैं राजा साधु एक तप्पे जाते चरणा भाके लागो। राजा जे तू शंकर भगवान की सेवा करे तो तेरे जरूर कोई पुत्र हो जा। तो प्रेमियों दुर्गा के कहने से राजा उदयदीप शंकर भगवान की सेवा संभाले थे और शंकर भगवान की कृपा से राजा उदयदीप के एक लड़को जन्मे जिसको नाम जगदेव राखे। जगदेव जन्मे राजा जाके आपकी रानी ने कह लगे रानी वो लड़को भी भगवान ने जनू है। रानी कह लगे महाराज एक काको के खोल ले रखे नीचे एक न्याल कृषि तो एक ही गणु है। एक श्रवण की कथा में बताई है कि पूत सपूता एक बलाख है नो कपूता ना काम सरे। राजा सगड़ के 60,000 जो कपिल मुनि के पास मरे। अपने देश में एक सगड़ नाम को राजा हो जो के 60,000 बेटा 60,000 बेटा जच्ची को नहीं आता। मन जच्चा की के कणो मन तो कहनी है जच्चा या ना जच्चा अलग बात है। तो आके कि तुम्हें राजा सगड़ के 60,000 बेटा बतावे बे कह लगे आपा अपने बाप का की औलाद है के सुख देश का। तो कई कह लगे रोजिना पृथ्वी ने खोद की नए कुए को पानी पिताजी ने पावा और नेक हुए के पानी पिताजी ने दुआवा। पृथ्वी ने खोदनी चालू कर दी। पृथ्वी ने यहाँ की खोद खोद की चालड़ी बेच कर दी। पृथ्वी भगवान से प्रार्थना करी हे भगवान एक कहती औलाद क्यों दे दी मन तो खोद खोद की चालड़ी बेच कर दी आंखों कोई इलाज देखे। भगवान बोले आंखों इलाज तेरे कनी है तू पानी थोड़ो नीचे सार जा रहे माँ बड़की कहू मिल जा तो तू तुरंत तो 30,000 जमीन में बढ़ जा कुआ खोदा। पृथ्वी पानी नीचे सरियो बोलियो और बहुत नीचे आगा पृथ्वी मिल जाए तो पृथ्वी तुरंत मिल जाए। 30,000 जमीन में रह जाए 30,000 कपल नाम को ऋषियों भी छेड़का नहीं करी तो ऋषि शराब दियो कि पत्थर का वजू बैठी मिट जाए सारो वंश खत्म हो जाए। बाकी एक स्त्री पेट से बाप के पीर गेड़ जी के पेट से एक बच्चों पैदा हुआ जी को नाम भागीरथ राख। भागीरथ नानेरा मराया कर तो उत्पात मचाया कर तो एक दिन भागीरथ की नानी मामी कहने लगी रे मरी लिया तू कठे को जले मेड़ो कठे को उपजेड़ो मारा ठेके मांगे और जब तू आतो ही तकड़ो ही, तो तेरा बड़का नरक में पड़ा बने स्वर्ग में काले। तो प्रेमियों भागीरथ के बाबा अड़े है 12 वर्ष शंकर भगवान की सेवा करके गंगा ने ठिलायो आपके बुजुर्गा ने स्वर्ग में गालिया और आज भी हिंदू धर्म एक बार जरूर गंगा में टूंड के। तो राजा उदयदीप की रानी मना कर दे। राजा उदयदीप के मन में रीस उठे है सुनो भाई इसकी पाछा सही स्थिति में जाया करो। राजा उदयदीप के मन में रीस उठे है जगदेव की मां ने दुहाग दे दे। प्रेमियों चिंता से जगदेव की मां के स्तना को दूध खत्म हो जाए। एक दिन जगदेव सूत्यो सूत्यो पालने के मां भूखा मर तो रो दुर्गा जड़जोगने का सागा जा रही। जगदेव ने रोता ने देख के दुर्गा के मन में तृष्णा जाए तो आपका स्तना को दूध जगदेव ने दुर्गा पावे। कई वर्ष बीत जाए जगदेव बड़ो जाए जगदेव की शादी करे और ब्याह मंडल जना नाई कर ब्राह्मण के घुघरिया बन जाए। तो राजा उदयदीप के लड़को जगदेव जन्म है जगदेव की शादी करे है ब्याह मंडल जना नाई कर ब्राह्मण के घुघरिया बन जाए। क्या अरे पड़ोसन ने भगवाई के नहीं बुलाने लगी पड़ोसन ने भगवाई के नहीं बुलाने लगी अरे कई बड़ाई करे मंडी की कई रिजामने लगी कई बाकी रीत बताऊं किस मजामने लगी अरे पतली बैठी पाटे ऊपर नहीं ना होने लगी ओ घड़ी बैठी पाटे ऊपर नहीं ना होने लगी ओ घड़ी बैठी पाटे ऊपर नहीं ना होने लगी ओ घ भाज के स्वागत करिया बरात भन बनोरा चाल रहा था बाजा बाजी भांगा लग रहा सिर झपका देखो फेरा आई दादा लग रहा सिर झपका देखो फेरा आई दादा तो जगदेव की फुलवाद की शादी कर दी। प्रेमियों लड़की को बाप बरातियां की खातरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बराती सिर में आग गाड़ने में कसर नहीं छोड़ी। तो जगदेव की फुलवाद की शादी कर दी। प्रेमियों फुलवाद ने ब्याह के जगदेव आपके घर हां आवे है। जगदेव के एक मौसी बिन कहला के मौसी मैं शादी करके लाए तो मेरे वार तो कर। तो जगदेव की मौसी लियार तो बारिने प्रजा है और फुलवाद को रूप देखे। प्रेमियों फुलवाद रूप की बड़ी सुंदरी वो ठाड़ी। तब प्रेमियों जगदेव की फुलवाद की शादी कर दी।
जगदेव के एक मौसी मन में विचार करियो ओ राजपाट जगदेव आपले बेटा ने करण दे जे वो तो ही को शुद्धिये शुद्धिये पापो बता दो। तो जगदेव की मौसी जगदेव ने 12 वर्ष को देशों तो दिवा देखे देशों तो काटने जगदेव राजा जयसंध की नगरी में राजा जयसंध कनौज शहर को राज कराया करतो। कनौज के खेड़ा में जाके जगदेव आपका तम्बू लगा ले कनौज शहर में एक तेली को तेल जानने लिया तेली में जाके जगदेव कहना भी यार थोड़ा तेल दे तेली कहना जो ई गाणी को तेल केवल राजा जयसंध के घर जा बाकी कने कोन दे। जगदेव बोले रे पीछा दे फिर भी क्यों कोन दे तेले ने तेले बोले मर्जी मारी जच्चा तो जने कोन दिया अब थे खारो जच्चा तो जने कोन दो ठड्डो तोड़ दिया। तेले ने तेली मना करी जगदेव के मन में री सुटी री गाणी के मां लोकी लाठी बिन मरोड़ की तेलन कर तेली के दुनिया के घाट। दूसरे दिन राजा जयसंध के घर तेले ने जाए तो राजा जयसंध खुद गाणी पर चला किया और तेलन ने तेली ने बन्ने देखी कहना गिरे बाबड़ो थारी दशा कौन करी। तेलन तेले बोले तेरे दशा गिरा गिरी गांठ खोलने में मरशा राजा जयसंध लूमी लेकिन गांठ खुली को नहीं। फिर राजा जयसंध कई पहलवाना ने बुलाए अपने पहलवान भी कई किस्म का कई में 7 फुट का कई 6 फुट का कई 5 फुट का कई 4 फुट का और कई गाँव गए 2.5 फुट का टुकड़ा ही फिरे। तो राजा जयसंध कई पहलवान ने बुलाऊ बाऊ भी पार पड़े को नहीं। फिर एक लुहार कने गयो बोले यार तू चाल दो आदमी बंद रहे मान तू खोल। लुहार चाल किया वह गांठ के लूमियो गांठ नहीं खुली यहाँ लुहार बोले छूका का खुलो तात को लो ने तातो करके काट मत दो। तेलन तेली बोले किटे ही पिटा ना तो लो ने तातो कर सी भी ऊपर ले ताता मयू जैसा। फिर तो गिर तो जगदेव आवे तेलन तेली दूर देख के कहना के मारी आदशा ओ कहीं। जद राजा जयचंद जगदेव ने बोले रे बाबड़ा दो आदमी मरसिया गांठ तो खोल। तो जगदेव बा गांठ खोले राजा जयचंद के बड़ो अचूम हो जा। राजा जयचंद जगदेव ने कहना तू कोई एक नौकरी कर लेंगे। तो राजा जयचंद का जगदेव नौकरी करने लग जाए है। राजा जयचंद का दुख हो छाती में खाडो हो। एक दिन सुबह पहले राजा जयचंद नावे है और जगदेव नाम तने देखे तो के जगदेव राजा जयचंद ने बूझे रखे बारता बने रखे अपनी राम सभा
राजा जयचंद ने जगदेव पूछे कि अन भी गणेरो राजा धन भी गणेरो और तेरी छाती बीच में खाडो क्या को। अरे बावड़ा तेरे कोई चीज की कमी को नहीं, क्या को दुख है। राजा जयचंद कहे तू काई पूछे मारी डोड्या का नौकर मारो दुख तारे शु नहीं, मैं राजा हूं, यदि मेरो दुख मेरे शु दूर नहीं हो तो तू नौकर की को दुख दूर कर दे। जगदेव कहे साची बताया राजा दुख तारो मेटू नहीं तारी नौकरी छोड़ो, साची बताए जरूर कोशिश कर सू, फिर भी राजा जयचंद नहीं बतावे तो जगदेव कह लगे तू मत जाने राजा कमशल को जाए उदिया दीप को मैं लड़को मन तू नौकर मत समझिए, मैं तेरी नौकरी करने नहीं आयो, मैं राजा उदिया दीप को लड़को जगदेव हूँ और मैं मेरो भिखो काटन तेरी नगरी में आये हो। जब राजा जयचंद की आंखें खुले हैं तो के राजा जयचंद जगदेव ने आपको असली दुख बतावर के बार ता बने रखे अपनी राम सभा सोने हैं। जिरे आतिश ढलता भरू रो रे लाखियो राम रे भरू गो ओ राधा सिमावे भेरू ओ राधा सिमावे रे ओ अरे भेरू राधे से आवे बुना जि भेला माखी अरे भेला माखी धूम तो राजा जयचंद ने और जगदेव पूछे राजा जयचंद जवाब दे मेरे क्या को दुख है। कहला गुरे जगदेव आतिशी डलता बेरू राक्ष आवे मेला माई रोल मचावे डोलिए को पायो मेरी छाती पर मिल मेरी रानी संग चौपड़ पास खेले ओ बेरुड़ो पार को निपटन दे। जगदेव के आज की रात राजा निर्भय सो जा तेरे डोलिए को पेरू यार देसी आज ते आराम सो जाओ मैं देखांगा कठी की बेरू राक्ष आवे। आदि श्री रात हो जगदेव राजा जयचंद को पैरो दे बैरू आवे है पहले मल होया कर तार पंग पग में सांकड़ होया कर और जे सांकड़ ने कोई आदमी छेड़ दे तो भी मल शु कुश्ती लड़ने
भर्ती भैरू के पग में सांकड़ी जगदेव सांकड़ दाबर भैरू पाछो बावड़ो बोले मेरे कुछ तिलड़ जगदेव बोले यार सांकड़ थी दबगीर दबगी भैरू कहना क्यों मारी सांकड़ को नहीं है ना कुछ तो तन लड़नी पड़सी एक दो बार जिद्दी करी तो जगदेव के मन में रीस उठी उठा की भैरू ने धरती के दे आती सी रात भैरू राक्ष आयो जगदेव सांकड़ बाकी दाबी अपनो तो गोडो भी की छाते पर मेले और बायू गोडो भैरू को जगदेव तोड़ो और कह लागे आज के बाद भैरू और मत ही नहीं जीव तो नहीं छोड़ूंगा ये दोबारा आगे तो ठीक नहीं है भैरू थोड़ा की गोडो आपकी माँ दुर्गा के नजर है दुर्गा जाता है भैरू ने बूझे कि कुण तने मारियो भैरू कुण तने कूटो कुण तेरो बायू गोडो तोड़ो ए बेटा ये गोडे को नाश की करूं करा के भैरू के कि राजा जयचंद के माजी डोडिया को नौकर जगदेव मेरो बायू गोडो तोड़ो ए मां राजा जयचंद के एक नौकर है जगदेव जगदेव नाम करके भैरू मैं बेट गोरबो गोडे को नाश कर दियो लेकिन भैरू कह लगे मां एक बात बता तुम मन क्या करती भैरू तेरे बलवान धरती पर कोई जलमियो को नहीं हो जगदेव कठो आयो दुर्गा कहने लगी भैरू तो ना बताऊं के मतलब है भैरू बोलियो अलो दे दे बधारा आंतड़ा सगड़ा थोड़ा दिया अब तू के मतलब है अले माजी थारा खांडा और खपर में नहीं तेरा भगवान ए तेरा तो ही तुमड़ा संभाल आज न तो मैं तेरो बेटो न तू मेरी दुर्गा कहने लगी भैरू तू एक काम कर जगदेव के शीश को तो मैं पतो लगा शू पर तू एक काम कर तो के दुर्गा भैरू ने कह रखे वार्ता बने रखे अपनी राम सभा सोने अजरे शेरे पकड़ राम हरारे भैरू मत वाला हमारा ओ भैरू मत वाला डरने की कोई बात नहीं अरे डर मत लाल मेरे समझ आऊं तेरे ताई अरे लादू शीश जगदेव का जाऊं राजा जयचंद की सभा के नहीं तो डर मत वो काम मैं कर सू तो प्रेमियों दुर्गा बाछड़ी को रूप बना के चाल की राजा जयचंद की सभा में जाके राजा जयचंद को दरबार लाग रहे हो राजा जयचंद दुर्गा ने बाछड़ी समझ की आदर दे की बैठा हुआ और कहना कि बाछड़ी तू के काम आई तो दुर्गा जवाब दे कि दान लेने आई राजा मैं बाछड़ी की आई मैं तो दान लेने की खातर आई तो दुर्गा कहना कि मैं तो दान लेने की खातर आई दान लेने आई राजा मैं बाठन की जाई इतनी बात सुन दुर्गा की राजा जयचंद की सारी सभा कोई आदमी दान देने की हानि बरे भी सभा में जगदेव बैठे
तो जगदेव एक जनो खड़े होकर दुर्गा ने कहे कि एक उठ जगदेव ने कहा शीतल कर मैया तेरा इहा, ये जैसा तेरे को दान चाहिए चल मेरे घर से दिया। अतो को क्रोध क्यों करे हो, शिशु दान मतन जरूर देश। तो दुर्गा कहे तो उगाड़े मुंडे खड़ी और जगदेव अति बात के ताई ठे घूम तो काटे और राजा जयसुंदर ने रीश आवे। राजा जयसुंदर दुर्गा ने कहने लगी बाछणी तो बाछणी असली कमारा मेरे नौकर से घूंघट क्यों सारा, तू मूर्ख है मैं राजा खड़े हो तू मेरे से घूंघ तो नहीं काटो और जगदेव मेरे दो टका को नौकरी से तू घूंघ तो क्या काटो। दुर्गा कहने लगी तू राजा जयसुंदर कायर कही जी, राजा तू कायर है मुंजी है मक्की चूस है और जगदेव दानी है। राजा जयचंद बोले इतने बड़े दान जो तन बान गांठ बार दे दे। राजा जयचंद कहने लगी ये बाठनी अये तू गरीबा की करे बड़ाई कोड़ी ने एक पास शेर सून की खातिर जगदेव करता मेरी आस और रोटे सट से मेरे रतन कठाऊ दान दे दे। दुर्गा बोली चाहे राजा की कही रे बहुत जोरदार बात कह कि तू राजा जयचंद चंद सो दिख, चंद्रमाई साइड में तो है तू राजा जयचंद चंद सो दिख है जगदेव सूर्य सो नजर आवे अरे घना प्रकाश करे चंद्रमा पर सूर्य ने कदी नहीं आवे, तू दानी जरूर होगो लेकिन जगदेव की ओर नहीं कर सके। राजा जयचंद कहने लगी ये बाठनी वो आपको भिखो काटण ना एड़ो, पहले राजा महाराजा भिखो काटण ने जाता ने बन काला घोड़ा काला वस्त्र दिया जाता और खाने को समान रिपियो गणु बदी कुछ नहीं सिर्फ काला वस्त्र। दुर्गा कहने लगी भिखम भी तेरू ठीक है जगदेव को टोटो वालो थारो वर्था है धनमाल अरे ओ मान रखे जांचनिया को तू दान में इशू कंगाल। सुन सुन की जगदेव की बड़ाई राजा जयचंद बड़ो परेशान हो जाए और कहने लगे बात ज्यादा क्यों करती बाछनी करती क्यों इतना विचार, जगदेव एक दे तो मैं दू एक का चार जा जगदेव को दान लिया पछिया की मेरे को चौकू नु दान लीजिए। जो तो दुर्गा जगदेव ने बतलाई रे जगदेव अपने कन देबा लेबा ने क्यों है की, तो जगदेव दुर्गा ने घर ले जाए लेकिन जगदेव को मुंडो छोटो सो जाए और लीर बना की दुर्गा ने जगदेव के रखे बार ताबड़े रखे अपने राम सभा सुने अजीरे ऐसो तो दान माजी ऐसा माजी वो कई धन दे शामाजी वो कई धन दे सहारे ओ आये मैया कई धन दे शामदा अरे जासू तो ये राजा जयचंद I
तो जगदेव दुर्गा ने भसन दे, दुर्गा ने घर ले जाए है। और निर्भरा की दुर्गा ने जगदेव के कि ऐसो तो दान माजी काई थाने देसु जासु राजा जयचंद। अरे भैया की चीज है मेरे कने, यदि मैं मत ने दान में दे दू तो राजा जयचंद आ जा। जगदेव कहने लगे मैया वो राजा है, मैं भी को नौकर हूं, मैं एक दू तो राजा जयचंद दे आजार, मैं तने एक रुपया दू वो हजार रुपया दे दे, भी के कोई फर्क नहीं पड़े। मैं एक दू तो राजा जयचंद दे आजार, और मैं दस दू तो वो दे दस लाख, पर अंत में मेरी तो हार की। अरे दुर्गा कहने लगी रे जगदेव तू एक चीज जीत सके, बोले बा कौन सी, बोले यहां तो तने बताऊ नहीं, यहां तो तू दान में धीर नहीं दी, यदि तू वचन दे दी तो बात चीज मैं तने सही बता दी। तो जगदेव दुर्गा ने वचन दे, तो दुर्गा न जगदेव वचन दे कि वचन देऊ मैया वचन वचन देऊ, इन हाथ आजर में उजत नहीं साक्षी रघु नाथ, भगवान साक्षी है उसी की चीज मैं तने जरूर दान में देशो। तो प्रेमी राजा जयचंद जीतने के लिए दुर्गा ने, और जगदेव ने दुर्गा क्या को दान बताओ की वार्ता बने रखी अपनी राम सभा जिरे शिष दिए राजा रे जे चंद हारे राजा ओ जे चंद हारे राजा वो जे चंद हारे रे ओ हारे राजा जे चंद हारे मुड़ा अरे शिष वाला एज शिष वाला दान महान जो जीरा
राजा जयचंद जीतने के लिए दुर्गा जगदेव ने दान बता रहे जगदेव शीश दिए सू राजा जयचंद आ यदि तू शीश को दान दे दी तो राजा जयचंद तने जीत नहीं सके क्यों कि शीश को दान राजा दे नहीं सके तने जीत नहीं सके पर एक बात और है अया तेरो दान शीश को भी नहीं लेवा तेरी रानी देव तो तेरो शीश में लेवा यदि तेरी रानी तेरो शीश उतार के दान में दे तो लू को नहीं तो नहीं लू प्रेमियों जगदेव के दो रानी है पटरानी को नाम हो फुलवाद एक राजा जयचंद आपकी लड़की को ब्याह जगदेव के सागे कर दे भी को नाम हो कमोद तो जगदेव पहल चोट कमोद करने जाए और जाके कहना भी रानी तू एक काम करे मेरो शीश उतार की बाछनी दान में दे दे कमोद बोली रे बारे मेरो तो पार को नहीं पड़े ये पार क्यों को नहीं पड़े सिर मेरो देणू तने कमोद के महाराज तारो शीश यीशु पाप माने लागे नरक में ही नेतो जावा पहली बात तो पाप लागे दूसरी बात नरक में जावा तीसरी बात बोली मन रंडारू काजल टिकी तो करू ने नहीं लुगड़िया बदलने को खटियो जो मेरा कौन दियो मना कर दे फिर आपकी पटरानी फुलवाद कर जा जाके कहना गिरानी तू एक काम कर मेरो शीश उतार की बाछनी दान में दे दे फुलवाद कहना कि महाराज थे थाल शीश की बात को मैं मार लो भी शीश आगे दे दू लेकिन फुलवाद का शीश का तर दुर्गा मना कर दे है तो फुलवाद उतार जगदेव को शीश मेले थाली में बारने पर दुर्गा खड़ी शीश दान में दे है दुर्गा ले शीश शालवा लागी भी टाइम फुलवाद दुर्गा के पगा लागे तो दुर्गा आशीर्वाद दे फुलवाद ने जी अपने बड्डी लुगाई छोटी ने दिया करे बड्डी लुगाई छोटी ने क्या आशीर्वाद दी कि बेटा शिलियो सपुतियो बुढ़ियो सुहागण हो फुलवाद जी जगदेव की लाश पड़ी है महल में दिन तू कपड़े जड़ दे और मैं राजा जयचंद के दरबार तक जायो तो ले जगदेव को शीश मेल थाली में दे पल्लो आडे और राजा जयचंद के दरबार में दुर्गा जा है राजा जयचंद ने जाके दुर्गा कहने लगी महाराज मैं जगदेव को दान लिए थे भी थोड़ा दान मन दे दो राजा जयचंद कह सको हो कि थाली में थोड़ो बहुत सोनू चांदी लिया और भी फकीर कने देने दे बिक्यो तो आपके नौकरा ने आदेश दियो बोले मोटारो अपना भंडारा भरे अपना ही खोल दो बाटनी आपका हाथा शु दान ले सी दुर्गा बोली तेरे भंडारा का तो लगे थे ठीक ही तेरे भंडारा को दान नहीं चाहिए राजा जयचंद कहना गया तू दिखा जगदेव को दान लाई दुर्गा लुगड़ियो नाक के करे और थाली में जगदेव की मुंडी दिखे राजा जयचंद की पिंडी थर थर दो जन्ने लग जाए राजा जयचंद कहना की बाठनी इसी सड़ी मेरा हूं तो पार पड़े दुर्गा बोले नहीं पार पड़े तो मेरी टांग तले सात बार नहीं सिर जा जयचंद कहने लगे तू सात बार की कमा सत्यान बार नहीं सिर जियो जिस टाइम राजा जयचंद दुर्गा की टांग तले की निश्चर बला गयो बी टाइम थाली कमा जगदेव की मुंडी पड़ी बहड़ अड़ सी कि जारे कायर एक शीश के दान खातर तू लुगाई की टांग तले ने की निश्चर लगो जयचंद बोले एक मां की बड़ी बात मार तो बुढ़िया सदा ही निकलिया बाकी बात अड़ी राखे ने ग्राणो उत चलियो जा कहे चार शीश कहां से लाऊं मैं इस विपदा में फंसा इतनी सुड़ जगदेव का शीश बिना धड़के धड़तो मैल में पड़ियो बिना धड़के हड़हड़ तो दुर्गा ले जगदेव को शीश मेले थाली में बैरूकने जाए बोली बैरू देख मैं जगदेव को शीश ले बैरू बोलो मंदे लाफंगी जू ओए मेरे दे दे की बहुत सड़क काटी दुर्गा कहने लगी बैरू तन देने वास्ते नहीं तेरा वचन पूरा करने नहीं हो शीश लाई ही इन पाछो भी जोड़ दूंगा तो ले जा के शीश पाछो जोड़े लेकिन शीश जुड़े नहीं क्यों पहले दानी दान कर दे तब वो पाछो लेता नहीं देता वो पाछो लेता नहीं तो जगदेव को शीश जुड़ा नहीं है तो प्रेमियों दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा करके जगदेव के नारियल को शीश लगाए होता हूँ जोड़ की पाछी आवे तो बैरू कहना की माँ ये दुष्ट को तू शीश जोड़ की आई कौन है तो दुर्गा कहना की बायो अंग बैरू तू चुंगियो दायो अंग जगदेव वो भी तेरो भाई है भाई क्या जगदेव ने सुत्यो सुत्यो और पाल ले के माँ भूखा मर तो जगदेव रो तो आपका दाएं अंग को स्तन को और दूध पिलायो और बाएं अंग से दाएं अंग सदाई मजबूत हो अति सुनताई बैरू के दुर्गा ने बूझे और आखिरी कड़ी में की बारता बड़े रखे अपने राम सभा सुने अचिरे पूछे हमारी माथे भवानी ओ माथे भवानी हमारी माथे ये
पार्वती की। तो बैरू दुर्गा ने पूजे है कि बैरूड़ो पूजे मेरी मात भवानी कद की तू शक्त भवानी तो अति शक्तिशाली है कद की। दुर्गा कहे जद नहीं होता बैरू धरा आसमाना आ धरती भी नहीं है वो आकाश भी नहीं हो। जद नहीं होता बैरू सूर्य चंदा जद नहीं होता बैरू पवन और पानी जद नहीं होता बैरू नौलख तारा जद की मैं शक्त भवानी तू काल हो मैं बहुत पुरानी हूँ। इस प्रकार जगदेव कंकाल की कथा है। आप सभी भक्तों से आग्रह एक बार जोरदार और माँ भगवती का दोनों हाथ उठा करके जयकार लगा दीजिएगा। बोलो जगदम्बे भगवती।